नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं यहाँ पर सल्फर का छिड़काव किया जा रहा है धनिया में। इस तरह की देसी जुगाड़ से सल्फर का छिड़काव किया जा रहा है धनिया में। इस तरह आप कपड़े की पोटली बनाकर, पतला कपड़ा होना चाहिए जिसमें से दवाई आसानी से निकल जाए, ऐसा कपड़ा लेकर आप आसानी से सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं धनिया में। और पंप से छिड़काव करने वाली भी दवाइयाँ आती है, लेकिन ऐसी दवाइयों से पंप से चलने में काफ़ी समस्याएं आती है धनिया में, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है धनिया की। इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ आती है चलने में और नुकसान भी होता है, क्योंकि धनिया जहाँ से निकल के जाता है कोई भी व्यक्ति वहाँ से आड़ा होता चला जाता है। तो ये सस्ता तरीका है और अच्छा तरीका है, काफ़ी लंबे समय तक ये दवाई काम करती है। सिर्फ एक ही छिड़काव की आपको ज़रूरत पड़ती है धनिया में, इसके बाद आपको छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये पूरा 10 एकड़ का प्लॉट है, ये इसमें पूरे में धनिया है। तो आप इस तरह से धनिया में छिड़काव कर सकते हैं सल्फर का, और YouTube पर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे कि ये दवाई डालिए वो दवाई डालिए। तो अगर बात करें धनिया में लागत की, तो सबसे कम लागत वाली ये फसल है। आप फालतू लागत ना लगाएं धनिया में, सिर्फ एक यही दवाई है जिसका धनिया में छिड़काव होता है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे माऊ आती है, मच्छर जैसे आती है, वो ज़्यादा गर्मी के कारण है। यदि किसी किसान भाई का जैसे धनिया लेट बोनी हुई है, तो उसमें उस माऊ की समस्या आती है, माऊ मच्छर की समस्या आती है, तो वो लेट धनिया में आती है। ज़्यादा लेट किसान भाई अगर धनिया बोते हैं, जैसे दिसंबर में किसी किसान भाई ने धनिया की बोनी की है, तो उस धनिया में माऊ की समस्या आती है ज़्यादा गर्मी के कारण। जैसे इस साल ठंडा बहुत जा चुकी है और गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, तो उस धनिया में आपको माऊ की समस्या आएगी, तो उसके लिए भी दवाइयाँ आती है। लेकिन और भी बहुत सी दवाइयाँ कई लोग बताते हैं YouTube पर, तो आपको ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस फसल में, क्योंकि सबसे कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली ये जो फसल है। और इसमें क्या है कि हम करीबन यहाँ पर, हमारे यहाँ 30 साल से 40 साल के करीब, 30 से 35 साल के करीब से यहाँ पर धनिया बोते हैं, और सबसे कम लागत लगाते हैं। सिर्फ ये एक पानी का धनिया है, अभी आप जो देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक पानी निकाला है 30 दिन की अवस्था में। इसमें पहला पानी निकाल दिया था हमने, और पानी की कमी भी है, उस वजह से हम इस अवस्था में दूसरा पानी निकाल सकते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण हम इसमें दूसरा पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। आधा फूल और आधे फल की अवस्था में वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फल इसमें आने लग गया है, और अभी काफ़ी मात्रा में फूल है। अभी उसमें अभी 50% फल बन चुका है, 50% फूल है। अभी इस अवस्था में आप दूसरा पानी निकाल सकते हैं इसमें, कि हमारे पास पानी की कमी है, उस वजह से हम इसमें पानी नहीं निकाल रहे। एक ही पानी का ये धनिया है, और एक ही पानी में हम हर साल 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले लेते हैं धनिया से। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव ना करें इस फसल में। कई किसान भाई क्या करते हैं कि खाद अधिक मात्रा में फेंक देते हैं, या जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर कई लोग वीडियो, ये छिड़काव, ये टॉनिक फेंक दीजिए, तो वो टॉनिक और खाद की अधिक मात्रा की वजह से ये क्या हाइट अधिक ले लेता है, उस वजह से आड़ा गिरने की समस्या आती है। और प्लाव की जगह में तो आप कम खाद में भी बहुत अच्छी हाइट लेता है। ये राजस्थानी कड़ी धनिया के नाम से ये वेराइटी प्रसिद्ध है, और कम से कम पानी में ये बहुत अच्छी पैदावार देती है ये वेराइटी। तो यदि आप सल्फर से जुड़ी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या दवाई से, या धनिया की खेती से जुड़ी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे हम। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।